अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, चाहे भारत की बात करें या फिर विदेशों की, सोयाबीन में तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। यूएस सोयाबीन वायदा $1600 के पार ट्रेड करता दिखाई दे चुका है। वहीं घरेलू वायदा NCDEX पर सोयाबीन का अप्रैल वायदा 7000 के पार निकल चुका है और 7100 पर कारोबार करते भी दिखाई दे रहा है। दरअसल ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट रह सकती है। हाजिर मंडियों में भी सोयाबीन 6700 के ऊपर बिक रही है। दूसरा, रूस और यूक्रेन के भू राजनीतिक दबाव के चलते लगभग सभी खाद्य तेलों और तिलहनों में तेजी दर्ज हो रही है। ग्लोबल महंगाई की चिंताओं के चलते भी कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में किसानों को आगे सोयाबीन के और अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। वहीं बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा ने मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से सोयाबीन का 6900 का लक्ष्य दिया था, जो कि हासिल होता दिखाई दिया है। सोयाबीन वायदा NCDEX पर 7000 के पार निकला है और 7100 पर कारोबार कर चुका है। सोयाबीन में यह तेजी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। अमित सजेजा के मुताबिक सोयाबीन में आने वाले सप्ताह सोयाबीन के लिए तेजी वाले ही रहेंगे। अगले 2-3 हफ्तों के दौरान सोयाबीन की कीमतें मौजूदा स्तरों से 3-4% और उछल सकती हैं। सोयाबीन में तत्काल रूप से 7300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं और इसका फायदा हाजिर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।